अब बड़ी खबर ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फिर से मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे। लॉकडाउन पर फैसला संभव हो सकता है। इसमें पीएम मोदी की आज मुख्यमंत्रियों के साथ सुबह 11 बजे ये बैठक होनी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम देश भर के मुख्यमंत्रियों के साथ ये बैठक करेंगे और इस बैठक में लॉकडाउन, स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों पर चर्चा हो सकती है। बैठक में आर्थिक राहत, प्रवासी मजदूरों को लेकर भी चर्चा संभव है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। सुबह 11 बजे ये बैठक होनी है प्रधानमंत्री की। संभवतः कई अहम फैसले इसमें हो सकते हैं, कई मुद्दों पर जो लॉकडाउन की स्थिति है उन तमाम चीजों को लेकर, स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों पर भी आज चर्चा इस बैठक में हो सकती है। बैठक में आर्थिक राहत और प्रवासी मजदूरों को लेकर भी बातचीत हो सकती है। चलिए अब हम आपको विस्तार से बताते हैं कि मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजयी भव मंत्र आज क्या हो सकता है, किन किन मुद्दों पर आज चर्चा हो सकती है। तो सबसे पहले लॉकडाउन, देश में कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा होगी, नए हॉटस्पॉट बनने से रोकने के उपायों पर भी विचार होगा, लॉकडाउन पार्ट 3 की संभावना को लेकर भी विचार किया जा सकता है। इसमें कहां और कितने दिनों के लिए लॉकडाउन बढ़ाने की जरूरत है, इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों के साथ। चरणबद्ध तरीके से छूट पर भी चर्चा संभव है। लॉकडाउन में छूट की शर्तें क्या हो सकती हैं, इस पर भी बातचीत होगी। छूट का दायरा कैसे बढ़ाया जाए, ये भी एक विषय होगा। 20 अप्रैल के बाद दी गई छूट की समीक्षा की जाएगी। लॉकडाउन के फायदों की भी समीक्षा होगी। लॉकडाउन के आर्थिक प्रभावों पर चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री और प्रवासी मजदूरों को लेकर भी चर्चा संभव है। फंसे हुए मजदूरों के लिए स्पेशल ट्रेन और बस की मांग पर चर्चा होगी। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ उद्योगों को काम करने की ज्यादा छूट मिल सकती है। जो तीसरी चीज है स्वास्थ्य सुविधाएं, उसमें पीपीई किट की उपलब्धता बढ़ाना एक विषय होगा। ज्यादा से ज्यादा रैपिड टेस्ट किट की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, इस पर बातचीत हो सकती है। ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग को लेकर विचार विमर्श होगा। डॉक्टरों की सुरक्षा पर चर्चा संभव है। आर्थिक राहत, राज्य आर्थिक पैकेज की मांग कर सकते हैं, तो मजदूरों की आजीविका को लेकर भी मांग उठ सकती है बैठक में। गरीबों के राशन की दिक्कतों पर भी चर्चा हो सकती है। किसानों के लिए और राहत की मांग हो सकती है इस बैठक में। तो पीएम मोदी आज चौथी बार मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना को लेकर चर्चा करेंगे। इससे पहले पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ 20 मार्च को पहली बैठक की, 2 अप्रैल को दूसरी बैठक हुई, 11 अप्रैल को तीसरी बैठक की और आज 11 बजे ये चौथी बैठक करेंगे प्रधानमंत्री। तो इस खबर पर अपडेट आपको देंगे, लेकिन अब बात मध्य प्रदेश के रायसेन की कर लेते हैं। हर किसी को सावधान कर देने वाली एक खबर यहां से आई है जिसे देखना चाहिए आपको। यहां एक परिवार टिफिन सर्विस देता था। इस परिवार में एक युवक की कोरोना से मौत के बाद 56 पुलिस वालों को क्वारंटाइन करना पड़ा है। खाने के टिफिन के साथ कोरोना की डिलीवरी मुफ्त। कोरोना काल में टिफिन सर्विस लेने वाले हो जाएं सावधान। क्या रायसेन में कोरोना का ट्रांसपोर्टर बन गया टिफिन वाला? मध्य प्रदेश के रायसेन से आई खबर देश भर को जगाने वाली है, क्योंकि यहां एक टिफिन सेंटर से कोरोना की डिलीवरी की आशंका गहरा गई है। दरअसल यहां टिफिन सेंटर चलाने वाले परिवार के एक युवक की कोरोना से मौत के बाद हड़कंप मचा हुआ है। इस टिफिन सेंटर से पुलिस वालों को भी खाना भेजा जाता था, जिसके बाद 56 पुलिस कर्मियों को क्वारंटीन कर दिया गया। मृतक सुमित की पत्नी को भी कोरोना संदिग्ध मानकर चिरायु अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इससे पहले 24 अप्रैल को युवक के बड़े भाई की भी मौत हो चुकी है। हालांकि उनकी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट आनी बाकी है, लेकिन सुमित की मौत के बाद उनके माता पिता को भी क्वारंटीन किया गया है। इस परिवार के सबसे छोटे बेटे विनीत की पत्नी की 12 दिन पहले ही डिलीवरी हुई है, लेकिन चंद दिनों में ही घर की खुशियां मातम में बदल चुकी हैं और अब ये खतरा दूसरों के आंगन तक न पहुंच जाए, इसलिए डीएम ने रायसेन में कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नो सिग्नल नो वरी प्रेजेंटिंग जी न्यूज ऐप विद लाइव टीवी, लेटेस्ट अपडेट एंड एक्सपर्ट ओपिनियन, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड एप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।